तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज बात करते हैं क्या करने वाले आज। तो हम आज यूज़ करेंगे एक बहुत ही छोटा सा और प्रॉफिट वाला चीज़ जो कि अपने ट्रेडिंग के लिए काम करेगा। तो देखते हैं, हमें विदाउट ये यूज़ करना है, मतलब हमें एक भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है और हमें अपना प्रॉफिट जो एक्सेलरेट करना है अपने डिपॉजिट को, जो ऑलरेडी हमारा $8,000 है, जो कि फेयरली एक लार्ज अमाउंट है, लेकिन हम इसको लेके आगे चलते हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम बस एक स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस है। उसमें हम सिचुएशन देखेंगे जो हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि विदाउट इंडिकेटर कैसे काम किया जाएगा। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, हम यहाँ ध्यान देना चाहिए कि मैंने जो ट्रेड ओपन किया है वो डिक्लाइन पे किया है, और हम यहाँ कुछ नोटिस करते हैं, यहाँ हमारे पास जो ऊपर की ट्रेडिंग कॉरिडोर है यहाँ पे ये सब ऐसा ही दिखता है, और ये जो अपर बाउंड्री प्राइस है वो नीचे की ओर जा रही है, इसलिए हम नीचे की ओर ओपन करेंगे अपना ट्रेड। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा जो डील है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो अपना हम प्रॉफिट लेते हैं। जो प्रॉफिट हमारा अपर बाउंड्री में था नीचे की ओर जा रहा था, तो हम अपने ऑलरेडी प्लस साइड पे हैं, हम अपना प्लस साइड को लेते हैं। हमारा ऑलरेडी $1,500 हो चुका है अपने बैलेंस अमाउंट में, तो हम अपने अमाउंट को, ट्रांजेक्शन अमाउंट को चेंज करेंगे और आगे चलेंगे। तो दोस्तों मुझे अच्छा सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे, हम अपना ट्रेड ऊपर की ओर खोलेंगे इस केस में, और हम क्या नोटिस करते हैं यहाँ पे, हम नोटिस ये करते हैं जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो ऑलरेडी पीछे की ओर ढकेल रहा है, जो कि हमारा आगे जाएगा। तो देखिए ये ऐसा दिखता है, और हमारे इस लेवल पे हमने एक अच्छा डील किया है जो कि ऊपर की साइड है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा प्राइस था वो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, और हम अपना प्रॉफिट लेते हैं जो कि ऑलरेडी $3,000 हो चुकी है। हम अब चेंज करेंगे इस अमाउंट को जो कि हमारा डील है, और हम वापस ढूंढते रहेंगे और क्या है, क्या स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये फिट बैठेगी। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं जहाँ हमने अपना ट्रेड ओपन किया है वो नीचे की साइड से ओपन किया है। हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, हमें एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल मिला है, ये प्राइस ऑलरेडी पीछे की ओर ढकेली जा रही है, और ये लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रेडिंग कॉरिडोर में जाएगा, और ये अपर बाउंड्री पे जाके ऑलरेडी ये जो प्राइस है पीछे की ओर ढकेल रहा है। तो ठीक है, ये जो कि नीचे जा रहा है ये एक अच्छा चीज़ है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो डील है वो परफेक्टली काम कर रहा है, हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी वो अच्छे से काम कर रही है, हम अपना प्रॉफिट लेते हैं यहाँ पे, और बैलेंस हमारा ऑलरेडी $6,000 हो गया है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। चलिए हम अपना डील को चेंज करते हैं, अपने डील अमाउंट को, और कंटिन्यू करते हैं उस सिचुएशन को देखते हैं जो हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। तो दोस्तों तो हम देख रहे हैं कि हम अपने जो ट्रेड ओपन किया है ऊपर की तरफ में, हमने नोटिस किया है ये बात कि ये जो सिचुएशन है नोटिस करने वाली है, प्राइस ऑलरेडी पीछे की ओर ढकेलाया जा रहा है और ये अच्छा सपोर्ट लेवल दे रहा है हमें, तो हम अपना ओपन करेंगे ट्रेड ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो डील है वो खुद में ही अच्छा काम कर रहा है, प्राइस जो ऑलरेडी सपोर्ट लेवल दे रहा था वो ऊपर की ओर, हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेते हैं, हम देखते हैं अपना बैलेंस जो ऑलरेडी $8,000 हो चुकी है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। चलिए मेरे हिसाब से तो लगता है कि हमें जो अमाउंट है ट्रेडिंग का उसको चेंज करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए उस करेंसी पेयर में जो हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन है इस प्लेस पे, हमें लगता है कि हमारे पास एक बड़ा सा ट्रेडिंग कॉरिडोर है यहाँ पे, तो ये जो कॉरिडोर है ट्रेडिंग का, इस पे हम लोग अप्रोच करेंगे रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि प्राइस भी आगे भी जाके ये पुश करेगा और नीचे की ओर जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपना ट्रेड नीचे की ओर। बहुत खूब दोस्तों, हमारा जो डील है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हम अपना प्रॉफिट लेंगे जो कि ऑलरेडी $11,000 है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सिचुएशन है, इसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो मैक्स डिपॉजिट था वो बस $800 था,
और जनरली हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम देखते रहेंगे आगे। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उस पर जाइए, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जनरल से जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, इंडिकेटर्स वाले, विदाउट इंडिकेटर्स वाले, स्ट्रैटेजी कैसे यूज करना है, और आपको डीप इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मेरे टेलीग्राम पे चैनल में जाएंगे, साइन अप करिए और पता करिए कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं आगे। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि हम यहाँ पे रुक सकते हैं और मैं आपको अगले वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।